नमस्ते सभी को, और आप सभी का रविवार के दिन आज इस शाम के शो में स्वागत है। और आज जो हमारी चर्चा है वो जो पिछली बार हमने शंकर शरण जी के साथ डिस्कशन की थी सीताराम गोयल जी की पुस्तक पर, परवर्शन ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल पार्लांस, वहीं से आगे चल रहे हैं। क्योंकि पिछली बार हमने इस पुस्तक के पहले 3 अध्यायों पर चर्चा की थी, आज चौथे से आरंभ करते हैं। तो आज संभवतः हम इस पुस्तक की चर्चा को कंक्लूड करेंगे। आप सभी से निवेदन, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लें। जी, जी नमस्ते शंकर शरण जी, स्वागत है आपका। नमस्ते नीरज जी। जी, दर्शक जानते हैं कि पिछली बार हमने जो चर्चा आरंभ की थी, आज हम वहीं से आगे चलने वाले हैं। सीताराम गोयल जी की जो पुस्तक है परवर्शन ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल पार्लांस, या कि हमारे यहाँ की जो राजनेताओं द्वारा यूज की जाने वाली भाषा है, बल्कि तो एकेडेमिया की भी वही भाषा है, कि उसमें जो विकृतियां हैं। तो हमने पिछली बार 3 अध्यायों पर चर्चा कर ली थी, आज चौथे की बारी है, द कैरेक्टर ऑफ लेफ्टिस्ट लैंग्वेज। तो इसी से आज हम आरंभ कर सकते हैं। इस चैप्टर में, इस अध्याय में सीताराम जी ने जो ये परजीवी विचारधाराएं हैं, या जिन्हें हम साम्राज्यवादी विचारधाराएं भी कहते हैं, इस्लाम, ईसाइयत और वामपंथ, इन तीनों के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। क्योंकि जनरली लोग क्या सोचते हैं कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, उनको तो हम रिलीजन मान लेते हैं, जो लेफ्टिज्म है या कम्युनिज्म है वो इससे अलग रख दिया जाता है, कैटेगराइजेशन अलग होती है, क्योंकि उसमें गॉड नहीं है। लेकिन सीताराम जी ने इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि क्या क्या वो मेन चीजें जो इन्हें साम्राज्यवादी, एक्सपेंशनिस्ट, इंपीरियलिस्टिक बनाती है। जी शंकर जी। जी, मैं इसको उल्टा रखना चाहूंगा। मुझे लगता है कि सीताराम गोयल जी ने पहले साम्राज्यवादी भाषा के की विशेषताएं बताई जी, जनरल, जिसमें कि कोई भी किसी भी भाषा की परख हो सकती है, और उस स्टैंडर्ड से अपने आप ये दिखता है कि इस्लाम भी एक साम्राज्यवाद की भाषा है, क्रिश्चियनिटी चर्च की भाषा भी साम्राज्यवाद की भाषा है, और कम्युनिज्म की भाषा भी साम्राज्यवाद की भाषा है। तो वो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पहले उन्होंने बताए हैं 8, और फिर उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं कि किस तरह से इस्लाम में है, किस तरह से क्रिश्चियनिटी में है, किस तरह से कम्युनिस्टों में है। तो लेफ्टिस्ट लैंग्वेज टाइटल इसलिए दिया है कि इस भारत में पिछले 100 सालों से ये कम्युनिज्म ही सारे साम्राज्यवादी भाषाओं की, मतलब चर्च की भी और इस्लाम की भी और अपनी तो है ही, वो तीनों को उसने रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि उसने उन दोनों को बल पहुंचाया है और उन दोनों को रिप्रेजेंट भी किया है, उन दोनों को डिफेंड भी किया है, उनकी जितनी गलतियां हैं उसकी उस पर लिपापोती की है या उसको पॉजिटिव रूप में बनाया है। इसी रूप में चैप्टर का नाम तो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेफ्टिस्ट लैंग्वेज, लेकिन वो पहले जनरल चरित्र बताते हैं। और वो 8 बिंदु इस तरह से हैं, जिसमें पहला तो है कि वो कहते हैं कि किसी भी साम्राज्यवादी भाषा में वो अपने विचारों या अपने मतवाद का जो स्रोत है और संगठन को और उस जहाँ से वो निकला है, जिसके माध्यम से उसकी सत्ता बनी है या जिसने उसको गढ़ा है, उसके बारे में कहते हैं कि वो अनस्क्रूटेबल है, मतलब उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, मतलब वो तो है ही, वो गिवन है जी, उससे उसको सत्ता मिली है, मतलब उस पर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। और इसके एग्जाम्पल में है जैसे कार्ल मार्क्स का है, या प्रोफेट मोहम्मद है, या जो चर्च मिशनों की जो आइडियोलॉजी है, या जीसस है,
उनके बारे में आप प्रश्न नहीं उठा सकते। वो अपने आप में आपको मान के चलना होगा कि वो न केवल सच हैं बल्कि उनकी कोई समीक्षा नहीं हो सकती। ये पहला तत्व है कि इनस्क्रूटेबल है, उन पर आप कुछ नहीं सवाल उठा सकते। ये साम्राज्यवादी भाषा का पहला लक्षण है। जी। दूसरा, वो कहते हैं कि कोई भी साम्राज्यवादी भाषा या साम्राज्यवादी मतवाद वो पूरे इतिहास को दो भागों में बांटता है। एक तो उस मतवाद के जन्म से पहले का काल और उस मतवाद के जन्म के बाद का काल। तो अब फिर इस्लाम में आप देख लीजिए, इस्लाम में है कि पहले जाहिलिया था और उसके बाद ये इस्लाम प्रकाश का युग आ गया। उसी तरह क्रिश्चियनिटी में है कि पहले हीथन थे, डार्कनेस थी, और जब जीसस आए और चर्च ने उसका प्रकाश दुनिया को फैलाया तो ये दो पीरियड हो गए। उसी तरह कम्युनिज्म में पहले रिएक्शन था, कैपिटलिज्म था या रिएक्शनरी मतवाद थे, और ये कम्युनिज्म के साथ प्रोग्रेसिविज्म आ गया। तो इस तरह से यह दूसरी विशेषता है, वो पूरे काल को दो भागों में बांटता है, उसके उदय से पहले और उसके उदय के बाद। मतलब अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मानता है, बाकी कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं हो सकता। वही ये साम्राज्यवाद की का दूसरा लक्षण है, मतवाद का या उनकी भाषा का, वो जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से अपनी बातें रखते हैं। तीसरा है कि वो मानवता को भी दो भागों में बांटता है। एक वो जो उसमें बिलीव करते हैं, मतलब जो इस्लाम में बिलीव करते हैं वो मोमिन हो गए, बाकी काफिर हो गए। उसी तरह जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं वो एनलाइटेंड हो गए या क्रिश्चियन हो गए, और जो दूसरे हैं वो हीथन हैं और उनके लिए पगान हैं, और नेगेटिव टर्म्स हैं उसके लिए, इनफिडल। उसी तरह हाँ इनफिडल हैं, तो जो भी है, मतलब दो भागों में उन्होंने मानवता को बांटा। इसी तरह कम्युनिज्म में भी है कि ये प्रोग्रेसिव है और रिएक्शनरी है, समाजवादी है और पूंजीवादी है। तो ये तीसरी विशेषता है कि वो मानवता को भी दो हिस्सों में बांटते हैं। चौथी विशेषता है कि वो जो अपने मत को मानने वाले हैं उनका सारी दुनिया में एक ब्रदरहुड मानते हैं, कि वो पूरी दुनिया में उसको मानने वाले ब्रदर हैं, और बाकी लोग जो हैं वो तो गिरे हुए लोग हैं और वो शत्रु भी हैं। फिर उसका पांचवा बिंदु है, पांचवा बिंदु साम्राज्यवादी मतवाद का या भाषा का ये है, वो ये कि वो जो एंटिटी है इनस्क्रूटेबल, जिसके जिनसे ये मतवाद शुरू हुआ है, उसने पूरी धरती इन मतवादियों को दे दी है। अल्लाह ने मोमिनों को दे दी है, प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कुरान में, भाई सारी की सारी जो धरती है वो अल्लाह ने इस्लाम को, मुसलमानों को दे दी है, और बाकी लोग जो है सरपर हो गए, मतलब या तो उनको मुसलमान बनना है, नहीं तो कन्वर्ट होना है या खत्म होना है। तो ये पांचवा बिंदु है। उसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी है कि सारी दुनिया को जीसस के लाइट में लाना है, और चर्च की जो पब्लिकेशंस हैं उसमें आप अभी भी देख सकते हैं, और वो बोलते भी हैं। पोप आए थे तो उन्होंने कहा था कि पिछली शताब्दी में हमने यूरोप अफ्रीका को क्रिश्चियन बना लिया, और इस सहस्राब्दी में, इस मिलेनियम में एशिया में सलीब गाड़ना है। तो ये पूरी दुनिया इनस्क्रूटेबल सत्ता ने, जीसस ने और ये मोहम्मद ने या फिर ये कार्ल मार्क्स ने, उसी तरह कि कार्ल मार्क्स ने कहा दुनिया के मजदूरों एक हो, और ये तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मतलब ये पूरी धरती तुमको जीत लेनी है, ये दूसरे की नहीं है, ये कम्युनिस्टों की है। मजदूरों का नाम उन्होंने लिया, लेकिन उसका अर्थ यही हुआ कि चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी उनका रिप्रेजेंट करती है तो पूरी दुनिया कम्युनिस्टों की है। और ये संयुक्त राष्ट्र तक में सोवियत संघ के नेता बोल चुके थे 60 के दशक तक में, वी विल बरी यू। तो ये पांचवी विशेषता है साम्राज्यवादी मतवाद की, और उसकी बोली की, उसकी उसके प्रकाशनों की, उसकी भाषा की, उसके दावे की, कि ये पूरी धरती उसी की है और बाकी लोग जो हैं वो एक तरह से अनुचित है, उनको या तो कन्वर्ट होना है या खत्म होना है। ये किसी भी साम्राज्यवादी भाषा की ये पांचवी विशेषता है। और छठी है टू इनेविटेबल्स, कि दो चीजें बिल्कुल निश्चित है, ये जो बिलीवर हैं उनकी जीत होगी और ये जो नॉन बिलीवर हैं उनकी हार होगी। मतलब और हालांकि उसमें उस मतवादी साम्राज्यवादी भाषा में चौथा भी है उसमें, तो ये जो यूरोपियन लिबरलिज्म आया, यूरोपियन इम्पीरियलिज्म आया जो कि सेकुलर था या सेकुलर है,
जी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, उसमें भी ये सारी चीजें हैं, उसके टर्म अलग अलग हैं, उसके भावना अलग अलग हैं, उसके स्रोत अलग अलग हैं, लेकिन ये इंपीरियलिज्म की भाषा में जब वो गोयल जी कह रहे हैं तो उसमें ब्रिटिश इंपीरियलिज्म भी आ रहा है, सिर्फ ये तीनों ही नहीं आ रहे, वो भी आता है। एनीवेज इसका छठा ये हुआ कि ये इनएविटेबल है उसकी विक्ट्री, जो बिलीवर्स हैं और जो ये नॉन बिलीवर हैं, जो हिथन हैं, काफिर हैं और रिएक्शनरी हैं, इनकी हार होनी ही होनी। सातवां बिंदु है कि ये सारी भाषाएं बोलने वालों में इमेंस इमेजरेबल डिग्री ऑफ सेल्फ राइटियसनेस, उनमें अपने सही होने का एक तरह से भारी बुखार रहता है 105 डिग्री का। वो मान ही नहीं सकते कि उनकी कोई बात गलत हो सकती है, वो ये मान ही नहीं सकते कि उनका विरोध करने वाले में कोई सद्गुण हो सकता है, या तो वो मूर्ख है या फिर बिका हुआ है या फिर बिल्कुल गया गुजरा है। तो इतनी सेल्फ राइटियसनेस होती है, ये भी एक साम्राज्यवादी मतवाद का एक लक्षण है जो सातवें बिंदु के रूप में सीताराम गोयल जी ने लिखा है। और आठवां, द अनबिलीवर्स आर एक्यूज्ड ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्राइम्स, जो लोग जो उनको नहीं मानते, जो उनके कैंप में नहीं आए, जिन्होंने इस्लाम नहीं कबूल कर लिया, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी कबूल, चर्च के झंडे के नीचे जो नहीं आ गए, जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर या उनके समर्थक नहीं हो गए, उनमें जितनी भी बुराइयां दुनिया की हो सकती हैं वो आराम से आप उनको बता सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो नहीं मान रहे। उनमें जितनी भी चीजें निगेटिव हो सकती हैं आप डाल सकते हैं, ये इस भाषा का, इस मतवाद का एक एक ये गुण है। तो ये आठों विशेषताओं को लेकर उन्होंने बताया है कि ये साम्राज्यवादी मतवाद की ये विशेषताएं होती हैं जो किसी भी साम्राज्यवादी मतवाद में आप देख सकते हैं। और ऐसा लगता है कि हमारे सामने ये चार उदाहरण है, तीन तो बहुत प्रमुख, और इन सबको चूंकि भारत में वामपंथियों ने, कम्युनिस्टों ने स्थापित किया 100 साल पहले से, और ये उसके अगले अध्याय में है, पांचवें अध्याय में है कि ये जो हिस्ट्री ऑफ लेफ्टिस्ट लैंग्वेज, उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस इन सारी चीजों को एक तरह से समेकित रूप में डिफेंड किया, और जो भारत का पारंपरिक समाज था, सनातन धर्म का समाज था, उसकी भाषा थी, उसकी संस्कृति थी, उसके विश्वास थे, उसके तरीके थे, उन सब पर कालिख पोती। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें ये आठों बिंदु पर किसी, मतलब मुझे लगता है कि कोई नया साम्राज्यवादी विचार भी आए तो उसमें इसकी परख हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है, और ये कोई भी परख सकता है। इसमें जो ये सातवां बिंदु है जिसमें बताते हैं कि इनमें सेल्फ राइटियसनेस जो होती है, उसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है जो हमारे यहाँ अभी टर्मिनोलॉजी चलती है, बेईमान और ईमानदार की, जिसे हम भूल के ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी में बांट चुके हैं। असलियत में वो इस्लाम की वही आइडियोलॉजी है, क्योंकि इसमें क्या था, जब उन्होंने अदालतें बनानी शुरू की थी यहाँ पर, तो उनका कहना था कि ये तो काफिर नहीं है, बेईमान है, और बेईमान बाय एक्सटेंशन उसका अर्थ ये था कि इसमें इतनी भी अकल नहीं है कि इसने आज तक इस्लाम कबूल नहीं किया। और ज्यूरिसप्रूडेंस का पहला नियम होता है कि द विटनेस शुड बी ऑफ साउंड माइंड, उनका कहना था कि इसका माइंड साउंड नहीं है, क्योंकि ये अभी भी बेईमान है, इसलिए ही इज नॉट फिट फॉर बीइंग अ विटनेस। तो वहां से हमने आज की डेट में, और उसके बाद बॉलीवुड के माध्यम से इन्होंने इस भाषा को ऐसे जमा दिया कि आज हम कहीं भी देख लें, ऑनेस्टी को जब हिंदी में बोलना होता है तो उसको बेईमान बोलते, ईमानदार बोलते। इसमें एक कॉम्प्लिकेशन भी है कि भारत में इस्लाम की जो पूरी भाषा है उसको एक तरह से उसकी हार का भी यह प्रमाण है कि केवल ईमान के मामले में नहीं, उसके कई शब्द ऐसे हैं, बल्कि सभी शब्द, मैं तो समझता हूं, उसको भारत में उसका जहर निकाल करके उसको न्यूट्रलाइज भी किया गया, और इसको करने वाले मुझे लगता है कि हिंदू समाज का दबाव भी था, क्योंकि अब जैसे देखिए बुत परस्ती, तो सुंदर सुंदर हमारी ये फिल्मों को देख लीजिए, जितने गाने हैं या गालिब की शायरी है, उसमें बुत बना दिया है सुंदर लड़की को, सुंदर महिला को, सुंदर व्यक्ति को,
और बुत परस्ती हो गई उनसे 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 प्रेम करना। तो अब देखिए बुत परस्ती का अर्थ भी बदल गया। उसी तरह जिहाद बहुत कॉमन शब्दावली में बन गया कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया, उन्होंने गंदगी के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया। तो अब जिहाद का भी देखिए यहाँ अर्थ बदल गया। इसी तरह मुझे लगता है कि ये ईमान ईमान को एग्जैक्टली वो ऑनेस्टी का ऑनेस्टी के टर्म में आ गया। और वो जो उसका मूल अर्थ है मुझे लगता है कि भारत में 10 में 9 आदमी नहीं जानते। तो कॉम्प्लिकेशन ये है मेरे मेरे विचार से कि एक्चुअली इसका अर्थ वही हो गया है सबके लिए। आप इसको किसी को याद दिलाएंगे कि इस्लाम में ईमान का मतलब होता है जो अल्लाह को प्रॉफिट को स्वीकार करे, यानी जो मुसलमान है वो ईमान वही ईमान वाला है और जो काफिर है वो बेईमान है बिना ईमान वाला है। तो इस शब्दावली को भारत में, और मैं समझता हूँ कि इसका महत्व या कॉम्प्लिकेशन इस रूप में भी है कि ये सारी टर्मिनोलॉजी जिहाद काफिर इवन मसीहा, ये लीजिए प्रॉफिट, प्रॉफिट को भी देखिए अर्थ यहाँ बदल गया। ये तो गरीबों के मसीहा है, ये दलितों के मसीहा है। तो देखिए प्रॉफिट का भी अर्थ यहाँ बदल गया और लोग समझ जाते हैं कि क्या कहा जा रहा है, बट उनको कुछ पता नहीं है कि एक्चुअली प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। क्योंकि एक्चुअली प्रॉफिट का मतलब वो है जो जीसस के लिए है, जो मोसेस के लिए है, जो मोहम्मद के लिए है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट का भी अर्थ बदल गया। मैं ये महसूस करता हूँ, ये मेरा अनुमान है कि किसी मुस्लिम देश में इन टर्म्स का ये मतलब नहीं है, सिर्फ भारत में ये मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय सभ्यता की भाषा, भारतीय सभ्यता की समझ और भारतीय ज्ञान परंपरा का दबाव इतना भारी था कि इस्लाम उसका मुकाबला नहीं कर सका और उनके अपने लोगों ने इन सब शब्दों को अहिंसक बना दिया, उस सब का जहर हटा करके। और ये गालिब और मीर में हम देख सकते हैं, बल्कि पूरी उर्दू शायरी में, कहीं पर सीताराम गोयल जी ने ही लिखा है और वो बड़ा महत्वपूर्ण है, एक ही पंक्ति मुझे मिली, कहीं वो विस्तार से नहीं लिख सके, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था उनका 17 साल नष्ट हो गया, नहीं तो वो और भी काम कर पाते। कहीं पर उन्होंने एक पंक्ति लिखी है कि पूरी उर्दू शायरी भारत की जो है वो इस्लाम के खिलाफ विद्रोह है। और ये मुझे लगता है कि कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो ये बात बिल्कुल सही लगती है। उमीर हो कि जौक हो कि जोश हो, गालिब तो है ही, और बहुत सारे नजीर हो, उल्लड़ हो, पता नहीं कितने पता नहीं उल्लड़ मुसलमान थे कि नहीं, लेकिन अधिकांश बड़े मुस्लिम शायरों में इस्लाम की धार बिल्कुल नहीं मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भारतीय ज्ञान परंपरा के दबाव में हुआ कि इस्लाम के पास चूंकि कुछ देने के लिए नहीं था और वो मार काट करके राज तो उन्होंने ले लिया, लेकिन उनके पास ना तो इकोनॉमिक सिस्टम था और ना ज्ञान परंपरा थी जो भारत में इतनी मजबूत थी। और चूंकि भारत इतना बड़ा देश था, इतनी बड़ी संख्या में हिंदू थे और लड़ने वाले थे, वो कभी झुके नहीं, उन्होंने इस्लाम को कभी कबूल नहीं किया, उसके सामने कभी सिर नहीं झुकाया। तो अंततः उनके ही कुछ जो विवेकशील लोग हैं उनको यह स्वीकार करना पड़ा, जैसे आज हो रहा है जिसको एक्स मुस्लिम कह रहे हैं और जो इनमें रीथिंकिंग हो रही है। मैं समझता हूं कि भारत में ये रीथिंकिंग, बल्कि एक और चीज उसमें है, थोड़ा विषयांतर हो गया है, लेकिन मुझे लगता है एक और चीज है कि एक भी हिंदू स्टोरी नहीं मिलती है कि कोई स्वेच्छा से मुसलमान बना था, तो वो तो बने ही थे लाचारी में। और फिर 100 साल पहले तक की स्थिति ये थी कि जो देहाती इलाके थे वो जबरदस्ती मुसलमान बना लिए गए, लेकिन इस्लाम के बारे में वो कुछ नहीं जानते थे, मतलब वो कल्चरली हिंदू ही रहे, मेंटली हिंदू ही रहे। इसलिए भी ये आसानी हुई कि जो पारंपरिक ज्ञान परंपरा का जो भाव था वही भाव जबरदस्ती इनके उर्दू अरबी फारसी शब्दों में भी अपने आप आया या डाला गया, भगवान जाने, लेकिन ये एक कॉम्प्लिकेशन भी है। तो आपको वो ईमान समझाने में ज्यादा मुश्किल होगी और ऑनेस्टी और ऑनेस्टी और ईमानदारी का जो मेल है वो इतना मजबूती से बैठा हुआ है कि आप इसको ओरिजिनल इस्लामिक टर्म तक नहीं ले जा सकते। लेकिन पिछले 100 सालों में यह प्रक्रिया उल्टी गई है। आज जो मुस्लिम आबादी है, उनके जो एक्टिविस्ट हैं, उनके जो एजुकेटेड लोग हैं, उनके जो समर्पित लोग हैं, वो दिन रात यही कोशिश कर रहे हैं पिछले कई दशकों से, और उसी का परिणाम हुआ कि पाकिस्तान बना और फिर कश्मीर से बंगाल से हिंदुओं का सफाया हुआ या हो रहा है। ये उस दबाव में कि उनकी भाषा फिर से वापस आ गई
और जो भारतीय ज्ञान परंपरा की भाषा थी वो कमजोर पड़ गई, और जो जो मुझे लगता है इसमें आगे डील भी किया है इन्होंने बहुत संक्षेप में कि क्यों ये भाषा कमजोर पड़ गई। मुझे लगता है कि ये कॉम्प्लिकेशन भी है, मैं सिर्फ इसका उल्लेख करने में मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि इसका हमें सामना करना पड़ेगा कि हम जी कैसे इसको दिखा सकते हैं कि पूरी उर्दू शायरी और पूरी जो मुगल काल से लेकर के अभी तक का जो मुस्लिम एजुकेटेड क्लास है उसमें एक छोटे सेक्शन को, लेकिन दुर्भाग्य से वही लीडिंग सेक्शन है, उसको छोड़ हाँ करके मुस्लिम समाज पर इस्लाम का असर नहीं पड़ सका। एक तो इसलिए कि जबरदस्ती भी बनाया गया था, और दूसरे इसलिए कि भारतीय वही भारतीय भाषा, भारतीय ज्ञान परंपरा की भाषा इतनी सशक्त थी और आज भी है, बल्कि मैं समझता हूँ कि उसका एक दुरुपयोग भी हो रहा है कि इस्लाम के जस्टिफिकेशन में मौलवी मौलाना ये कथित लीडर पत्रकार जितने तर्क देते हैं उनमें 90% तर्क उन्होंने वो गीता और उपनिषद वाले उठा लिए हैं, वो जबरदस्ती उसमें डाल देते हैं। तो वो सारी तर्क, वो तर्क भी उठा लेते हैं हमारी ज्ञान परंपरा से, लेकिन चूंकि हमारे लोग सावधान नहीं थे या नहीं हैं, उल्टे उनको मदद दे रहे हैं, इसलिए उनको आसानी होती है, वरना इस्लाम को आज भी उसी तरह पराजित किया जा सकता है इन नो टाइम इंटेलेक्चुअली। लेकिन समस्या यह है कि उनकी तरफ से यही जो लेफ्टिज्म की भाषा है पिछले जी 100 सालों में वो एक्चुअली अब सबकी भाषा बन गई है, अब वो लेफ्टिस्ट की भाषा नहीं है, वो सबकी भाषा है, इसलिए इससे मुकाबला करना हमारे लिए आज और ज्यादा कठिन हो गया है। मैं तो जी समझता हूँ कि गोयल जी के समय से भी ज्यादा कठिन हो गया है। ठीक बात है जी। जो अगला अध्याय है चैप्टर 5, हिस्ट्री ऑफ लेफ्टिस्ट लैंग्वेज, मैं शेयर भी कर देता हूं, ये रहा। इसमें उन्होंने M.N. रॉय से शुरू किया है। हाँ वो बड़े बड़े रोचक है, उनका ये कहना है कि M.N. रॉय ही हैं जिन्होंने सारी फॉर्मुलेशन, और ठीक 100 साल हो रहे हैं, 1922 में उनकी किताब आई थी इंडिया इन ट्रांजिशन। गोयल जी कहते हैं कि उस पुस्तक में ही पहली बार ये सारी वामपंथी शब्दावली है जो उनकी अपनी गढ़ी हुई नहीं है, वो उन्होंने कम्युनिस्टों से ली थी। मतलब वो रशिया गए थे, यहाँ फिर अपना मुजाहिदीनों के साथ विद्रोह का प्लान बनाने में विफल होने के बाद वो लेनिन के नजदीक हुए थे, और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में लंबे कई सालों तक वो बड़े लीडर थे। तो वहां से उन्होंने सारी शब्दावली लाई लेनिन वाली और उसको यहाँ पर इम्प्लांट किया। तो इसीलिए M.N. रॉय को उन्होंने काफी स्थान दिया है कि उन्हीं से, और आज भी उन्होंने बाकायदा उसके उदाहरण दिए हैं कि जितनी बातें उसने लिखी थी 100 साल पहले वो धीरे धीरे उसी में ये सारी टर्मिनोलॉजी है, प्रोग्रेसिव, रिएक्शनरी, पुनरुत्थानवादी, तकियानुसी, शॉविनिस्ट, और वो दुष्ट, जितने तरह के जो शब्दावली चलती रही कम्युनिस्टों की, उसकी उसकी बिगनिंग उसी पुस्तक से है। M.N. रॉय ने ही वो वामपंथी कम्युनिस्ट भाषा भारत में लाई, यहाँ से उन्होंने शुरू किया है। जी जी। और ये 2 स्कूल्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, अब ये कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? ये तो वहाँ ये तो उसका इतिहास है कांग्रेस का, मतलब कम्युनिस्टों से पहले का, कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो वो तो एक तरह से अंग्रेजों ने ही बनाया था, और उसमें जो भारतीय थे वो एक अंग्रेजों के से एक तरह का मांग पत्र आदर पूर्वक मांगा करते थे। लेकिन धीरे धीरे उसमें ये जब लोग आए, तिलक, श्री अरविंदो, लाल बाल पाल, तो इनमें वो भावना आई कि नहीं, हमें अपना अस्तित्व खुद बनाना चाहिए, ये अंग्रेजों से मांगना, ये अंग्रेजों के सामने झुकना, और ये हम सदा के लिए उनकी अधीनता में रहना स्वीकार करना, क्योंकि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्वीन के, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी भी व्यक्त करती थी। तो इसका विरोध करके ये दूसरा धड़ा खड़ा हो रहा था जिसको नरम दल और गरम दल के रूप में हम जानते हैं, लेकिन ये कम्युनिस्टों के आने से पहले की बात है। लेकिन दोनों को गोयल जी कहते हैं कि दोनों भारतीय थे, दोनों भारतीय मूल्यों से चलते थे, भारतीय शब्दावली जानते थे और भारतीय ज्ञान परंपरा को ही स्रोत मानते थे, सिर्फ उनके रुख में अंतर था, नरम दल और गरम दल। नरम दल वाला मांग करके और
धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता था और गरम दल वाले कहते थे कि नहीं नहीं हमें कुछ करना चाहिए, करके देखना चाहिए। जिसमें जिसका सबसे बड़ा आंदोलन स्वदेशी आंदोलन हुआ, जो कि 1905 से 9 तक लगभग चला, बंग भंग के खिलाफ, जिसके ये लीडर थे लाल बाल पाल और श्री अरविंदो उसके सबसे प्रखर सिद्धांतकार के रूप में आए। वंदे मातरम उनके अखबार का नाम था, जिसके एडिटोरियल पूरे देश में उस समय प्रतीक्षा की जाती थी, इतना उसका स्वर जोरदार था। बल्कि रोचक बात यह है कि वो जो श्री अरविंदो वाला फेज है 1905 से 9 के बीच में, उसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बाद में और गांधी जी के भी जितने टर्म इस्तेमाल हुए हैं वो सब उसी समय के दिए हुए हैं, मतलब प्री गांधीयन है। वो असहयोग हो, सत्याग्रह हो, अवज्ञा हो, ये सब चीजें उसी समय आ गई। तो राष्ट्रीय शिक्षा हो, ये बाद में चर्चा हुई और सबको गांधी जी और कांग्रेस से जोड़ दिया गया। कांग्रेस वो थी भी, लेकिन ये गांधी जी से पहले वाली कांग्रेस थी जिसने ये सारे टर्म दिए थे और बल्कि उसका प्रयोग भी किया था, तो बड़ी अनम्यता से किया था। और वो शत प्रतिशत भारतीय ज्ञान परंपरा की भाषा थी, भारतीय संवेदना की भाषा थी, भारतीय धर्म की भाषा थी, सनातन धर्म की भाषा थी, जो हमारे शास्त्रों में, महाभारत में, पुराण में, गीता में, उपनिषद में है, उस भाषा से उसकी प्रेरणा थी। और इसीलिए उसने पूरे देश को एकाएक अनुप्राणित भी किया। तो ये जो दो धड़े बताते हैं गोयल जी, वो कम्युनिस्टों से आने के आने से पहले की बात है। अच्छा, इसमें एक जगह पे जो गांधी और स्पिरिचुअलिटी को जो हिट किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, कि स्पिरिचुअलिटी को भी कहते हैं कि वो लगता है कि जी हाँ उनका कहना है कि जो स्पिरिचुअलिटी उसको भी उन्होंने क्लास कन्फ्लिक्ट से जोड़ दिया, कि ये जो एक क्लास है, एक पर्टिकुलर क्लास है, कि जो स्पिरिचुअलिटी ऑफ गांधी इज ओनली द एक्सप्रेशन ऑफ दिस क्लास इंटरेस्ट। हाँ, ये तो वामपंथियों की बात है, ये तो अब आप आ गए वामपंथियों की शब्दावली पर। ये वही एमएन राय से शुरू हो जाती है ये कहानी। जब वहां रूस में लेनिन ने सत्ता पर कब्जा किया और पूरी दुनिया में एक जिसको कहते हैं बड़ा समाचार फैला, क्योंकि दुनिया का वो सबसे बड़ा देश था और कार्ल मार्क्स का सिद्धांत जो पड़ा हुआ था उसको लेनिन ने उसका उसका सहारा लेकर, उसका नाम लेकर के वहां पर सत्ता पर कब्जा कर लिया और सारे उद्योग और कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर लिया। और वो जो नई भाषा आई कि पूरी दुनिया से पूंजीवाद को खत्म कर देना है और जो काम करने वाले हैं उनका राज्य होगा और ये समाज हमेशा वर्ग संघर्ष, तो ये सारी शब्दावली जब वामपंथियों की आई, तो उसी में अभी हमने जो चर्चा की थी कि जो भी विरोध में है, जो भी हमारा हमारा फॉलोअर नहीं हो रहा है, उसको आप जितनी भी गालियां दे सकते हैं, तो वो गांधी जी के लिए वही गालियां हैं। वो बैकवर्ड है, दकियानुसी है, और वो बुर्जुआ का इंटरेस्ट देखते हैं, सामंतों के वो हितैषी हैं, और ये जो उनका स्पिरिचुअलिज्म है वो दिखावा है। ये उस लेफ्टिस्ट शब्दावली के अंग के रूप में आया है। जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, शोषित पीड़ित जनता जो है वो ये धर्म के नाम पर उसको ठगा जा रहा है ताकि ये सामंत उस पर शासन करते रहे, पूंजीपति उसका शोषण करते रहे, और ये उनको ये जो है ना दिया बत्ती भगवान ये दिखाया जा रहा है। वो जो कार्ल मार्क्स की थी ना धर्म अफीम है, तो उसका ये उसी का सरलीकरण कि जो भी धार्मिक है और कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा है उसको आप जितनी बुरी बातें कह सकते हैं, तो वो गांधी जी के लिए तरह तरह की कठोर और गंदी और लांछन वाली बातें कही जा रही थी। ये उसका उदाहरण है जो अभी आपने कहा। मुझसे आज एक गलती हो गई इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय जी, आपने जो लिंक आपको मिला है वो हमारी डिस्कशन का है, कृपया यहाँ से लॉग आउट कर जाए। मुझे लगता है जो आपका लिंक था मैंने आज उसको पेस्ट कर दिया। जी। अच्छा, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है गांधी के लिए यूज के, क्लेवरेस्ट बर्जुआजी स्काउंड्रल। गाली शास्त्र, एक पूरी स्वीरियोलॉजी गाली शास्त्र। ये हिंदी शब्द भी उसका गोयल जी ने ही दिया है, गाली शास्त्र। कम्युनिस्टों ने एक पूरी एक
पूरा एक गाली शास्त्र बनाया था और वो आज तक चल रहा है, क्योंकि वो बड़ा बड़ी काम की चीज है कि आपको किसी भी विद्वान, किसी भी किताब, किसी भी तर्क का आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप उसको कह सकते हैं, आप कह दीजिए कि वो CIA का एजेंट है, बात खत्म हो गई। वो तकियानुसी है, बात खत्म हो गई। वो पुनरुत्थानवादी है, हिंदू सांप्रदायिक है, बात खत्म हो गई। या फासिस्ट है, बात खत्म हो गई। तो ये सूरियोलॉजी का ये अंग है, गाली शास्त्र का अंग है, स्काउंड्रल, बुर्जुआ का दलाल। और भी वो तो इतनी गंदी गंदी भाषा थी कि वो एक से एक तोजो का कुत्ता, मतलब ये। और ये बड़ी गंभीर बात है, ये पूरा जो चैप्टर है, लेफ्टिस्टों ने जो भाषा बनाई और जिस तरह से वो भारत में धीरे धीरे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और नेहरू जी के माध्यम से जो फैल गई पूरे देश में, और उसको जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन था रूस में, उससे पूरी दुनिया में जो एक लहर फैली, उससे जो उसको एक नैतिक समर्थन मिला कि भाई ये तो इंटरनेशनल है। और यही नहीं, वो टेलियोलॉजी कि ये तो जीतने वाली है, मतलब वो साम्राज्यवादी भाषा में छठा या सातवां था ना, कि ये धरती तो पूरी अल्लाह ने दे दी है मुसलमानों को, उसी तरह धरती तो कम्युनिस्ट पार्टी की हो गई, मतलब पूरा पूरी दुनिया मजदूर वर्ग के शासन में आना ही आना है, कम्युनिज्म तो आना ही आना है। तो इन सब चीजों ने मिल करके उन गालियों को भी एक बड़ी महत्ता दे दी। और लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि आप कितने भी तर्क रखिए, कितने भी तथ्य रखिए, कितने भी प्रमाणिकता से बोलिए, वो आप आज भी देख सकते हैं, अरे ये तो हिंदू कम्युनल है, अरे ये तो RSS का गुलाम है, ये तो उसका आदमी है, बात खत्म हो गई। मतलब उसने पूरा लेख लिखा या पूरा भाषण दिया या पूरी किताब लिखी, पूरा रिसर्च किया, उस पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं। ये हुआ भी है, क्योंकि पूरी की पूरी, और ये लेनिन ने शुरू किया था। बड़े से बड़े विद्वान को वो कहते थे, अरे तो बकवादी है, मैक्स वेबर के बारे में कहा था तो वो बुर्जुआ बकवादी हो गया, मैक्स वेबर फिनिश। तो ये इसी तरह से चलता था। एक फ्रेज भी तो है, स्टिक द कन्विक्ट्स बैच आफ्टर दैट। अब वो तो लेनिन ने अपने कार्यकर्ताओं को सिखाया था कि भाई तुमको जवाब देने की जरूरत नहीं है। और जो हम आज भी देख रहे हैं, आज भी आप देखिए कि अगर किसी को डिसमिस करना है, और ये लगभग हर एक पार्टी, मतलब हर एक राजनीतिक धारा करती है, अरे वो तो उसका एजेंट है, वो तो उसका बिका हुआ है। आप सोशल मीडिया पर एवरी डे आपको ये टर्म आपको सैकड़ों बार इस्तेमाल किया हुआ मिलेगा, वो उसका गुलाम है, वो उसका चाटुकार है, वो उसके पेरोल पर है, कहीं किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है। वही एविडेंस, वो कन्विक्ट का बैच लगा दो सिर्फ, ये लेनिन से सीखी हुई चीज है। लेकिन भाग्य से अब ये कम्युनिस्टों तक सीमित नहीं रह गई है, सब सब पर लागू हो गई है, क्योंकि ये बड़ी आसानी से काम हो जाता है। क्योंकि कार्यकर्ता जो आपके हैं, आपके जो अंध समर्थक हैं, या जो आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, वो आप मान लेते हैं कि हाँ ये है। और ये कम्युनिस्ट पार्टी में होता था, वो जिसके बारे में कम्युनिस्ट लीडर कह देता था कि वो CIA का एजेंट है, उसके बाद नीचे तक पढ़े लिखे विद्वान या कितने भी समर्पित कार्यकर्ता हैं, फिर वो उस पर कभी सोचते नहीं थे कि अरे इसका एविडेंस क्या है कि वो CIA का एजेंट है। बोला नहीं, वो तो फलाने ने बोल दिया, फलाने दाने, मतलब वो सेंट्रल कमेटी का लीडर या पोलिट ब्यूरो का मेंबर, उन्होंने बोल दिया, बात खत्म हो गई। मुझे अभी भी याद है जब श्रीमती गांधी की हत्या हुई थी, तो CPI के एक बड़े लीडर ने कहा था कि ये CIA ने करवाया। तो जो निचले तबके के जो लीडर थे, उन्होंने बकायदा मान लिया, बोला कि इसमें सोचना क्या है, ये तो एकदम बहुत क्लियर कट बोल दिया फलाने ने, क्लियर कट बोल दिया, बात खत्म हो गई। तो ये इसका फायदा होता है कि आपने किसी को गाली से डिसमिस कर दिया, तो आपका जो हजारों नीचे कार्यकर्ता है या जो आपका समर्थक है, वो उसको उसी तरह स्वीकार कर लेता है। अब आपको कोई शोध करने की जरूरत नहीं है कि कैसे आपको मालूम हो गया कि CIA ने हत्या करवाई थी, कैसे आपको मालूम हो गया कि फलाना टाटा का दलाल है, कैसे आपको मालूम हो गया कि फलाना इसका एजेंट है, कुछ उसकी जरूरत नहीं है। तो ये वामपंथी शब्दावली ने और मानसिकता ने ये जहर भरा है पूरे देश में, कि हर एक राजनीतिक धारा इस सरल तरीके का इस्तेमाल करती है
अपने विरुद्ध आलोचना को डिसमिस करने में, किसी भी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन को साइड करने में एक ही जवाब है, वो ये कांग्रेस का एजेंट है या उसका एजेंट है या उसका चाटुकार है या उसका आदमी है, सो ऑन सो फोर्थ। ये बहुत घातक चीज हुई है, और यही मुझे लगता है कि कहीं पर है कि ये जो दो सब पूरे, हाँ वो टर्म है कि हमारे सार्वजनिक जीवन का पतन, ये गोयल जी कहते हैं, और ये बड़ी गंभीर बात है, एक पैराग्राफ नहीं है लेकिन इसने एक नई चीज खोली जो मतलब मैं नहीं समझता था पहले। उन्होंने ये कहा कि ये क्या कारण है कि पूरे राजनीति में नेगेटिव किस्म के लोग भरे हुए हैं, भ्रष्ट लोग भरे हुए हैं, स्काउंडरल भरे हुए हैं, दुष्ट लोग भरे हुए हैं, और छल प्रपंच करने वाले भरे हुए हैं, और बड़े नीच किस्म के लोग भरे हुए हैं। गोयल जी इसका स्रोत उस वामपंथी भाषा को बताते हैं कि चूंकि उसने इतना आसान रास्ता बता दिया राजनीति में आने का, क्योंकि ये गाली गलौज, गंदी बातें और इस तरह से करने वाले लोग, ये बहुत ही आसानी से कोई भी कर सकता है, निम्न किस्म के लोग ही कर सकते हैं, तो इस तरह के लोग आसानी से सामाजिक जीवन में बढ़ गए और उनका चारित्रिक पतन हुआ, या चारित्रिक पतन वाले लोग या कमजोर किस्म के लोगों को राजनीति में घुसने में आसानी हुई, ये उस भाषा का परिणाम है। और दूसरा वो बताते हैं कि इससे भी जो बुरी बात हुई कि हमारी जो पूरी मानसिक रैशनल फैकल्टी है वो पॉइजन्ड हो गई, जो जो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि आपको महान से महान विद्वान, यहाँ तक कि अब जिसको नोबेल प्राइज भी मिला हो, अब देखिए V.S. नायपाल को नोबेल प्राइज मिला था, उनकी किताबें पूरी दुनिया में पढ़ी जाती थी, पढ़ी जाती हैं, प्रसिद्ध भी हुई हैं, और पढ़े वो पढ़ करके भी आप देख सकते हैं कि कितने कितने विवेकशील व्यक्ति थे और कितना उन्होंने परिश्रम किया था और कितना इंटेलेक्चुअल शार्पनेस और तटस्थता उनमें है। भारत पर उनकी तीन तीन किताब है, लेकिन क्या आपने कभी उन पर कोई लेख या कोई चर्चा कभी आपने सुनी? नहीं, सिर्फ एक टर्म है उसके लिए, एंटी मुस्लिम। ओ V.S. नायपाल, ओ ही इज एंटी मुस्लिम, फिनिश, सारी किताब खत्म हो गई। ये गोयल कहते हैं कि ये हमारे सार्वजनिक जीवन के पतन का जो दूसरा बिंदु है, इसने ज्यादा घातक काम किया कि हमारी पूरी मानसिकता इस आसान गाली गलौज वाली और नेगेटिव प्रवृत्ति से भर गई है। कहीं भी गंभीर चर्चा करने वाले लोग, गंभीर विचार विमर्श करने वाले लोग, लिखने वाले लोग, विद्वान लोग, कवि लोग, उनकी कहीं कोई पूछ नहीं है, पूछ उनकी है जो ज्यादा गर्म और ये जहरीले तरह के बयान दे सकते हैं, उस तरह के भयंकर भाषण दे सकते हैं और उसी तरह की चीजें लिख सकते हैं जिसमें जितनी कटुता, जितना जहर आप फैला सकें, वो सब ज्यादा काम आते हैं, वो सब उन्हीं को ज्यादा जगह मिलती है। जो एकेडमिक फॉर्म में भी हैं उसमें भी वही एटीट्यूड है कि आपको किसी न किसी के अगेंस्ट डिटरमिंड होकर के खड़ा रहना पड़ेगा। तो एक तरह का ये जो पार्टी बंदी और नेगेटिविटी और ये विवेकशीलता की कमी, ये वामपंथी भाषा के दबदबे के कारण ये पूरे देश के सार्वजनिक जीवन का पतन हुआ, इस पर गोयल जी ध्यान दिलाते हैं और ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जो छठा चैप्टर है वो है रोल ऑफ द लेफ्टिस्ट लैंग्वेज। मैं शेयर करता हूं जरा एक बार जी। मैं उसी की चर्चा कर रहा था, ये जो स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक लाइफ लोअर्ड, द डिस्परेजमेंट ऑफ पर्सनल कैरेक्टर वाज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन मेड टू द इंडियाज पॉलिटिक्स एंड पब्लिक लाइफ बाय द लैंग्वेज ऑफ लेफ्टरिज्म। वो जो आप गांधी जी की चर्चा कर रहे थे, उनको स्काउंडरल कह रहे हैं या वो पूंजीपतियों का दलाल कह रहे हैं या सुभाष चंद्र बोस को तोजो का कुत्ता कह रहे हैं, तो एक बार ये चीजें आ गई पब्लिक लाइफ में, एक बार कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक धारा इसका इस्तेमाल कर रही है, तो धीरे धीरे इसने, ये कहते हैं कि पब्लिक लाइफ का पतन हुआ। इट ओपन द फ्लड गेट्स फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चनेबल कैरेक्टर टू कम फॉरवर्ड। यही मैं कह रहा था, इसने रास्ता खोल दिया कि हर तरह के घटिया लोग पॉलिटिक्स में आ जाएं और फ्रंट सीट ले लें, क्योंकि वो गाली दे सकते हैं, वो रविन्द्रनाथ टैगोर को वेश्याओं का दलाल कह सकते हैं, वो सुभाष चंद्र बोस को कुत्ता कह सकते हैं, तो इस तरह के लोग
फ्रंट में आने के रास्ता खुल गया। ये इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है। और उसी का वो दूसरा भाग वो था, इट वॉज नॉट ओनली द डाइकोटॉमी इन पर्सनल एंड पब्लिक लाइफ विच गॉट दिस डीपेंड, द रैशनल इन मैन सफर्ड ए स्टिल मोर सीरियस ब्लो, कि मनुष्य का जो विवेक है उसको और ज्यादा चोट पहुंची। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कुड नो मोर बी सेटल्ड बाई रेफरेंस टू फैक्ट्स और लॉजिक और द इनवर्स ऑफ डिस्कोर्स, मतलब किसी मत विभिन्नता को आपको विचार विमर्श से नहीं तय करना है, सिर्फ उसके कैरेक्टर एसेसिनेशन से, बुर्जुआ हिपोक्रेसी, वो हाइडिंग वेस्टेड इंटरेस्ट, वो साम्राज्यवाद की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, ये वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीजों ने पूरे स्तर को गिरा दिया। मुझे लगता है कि ये छठे चैप्टर का ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मुझे यही लगता है। जैसे यही राष्ट्रवाद को ही सांप्रदायिकता कह देना, पूरा का पूरा जो हिंदू चिंतन था, हिंदू धारा थी, उसको सांप्रदायिकता कह करके डिसमिस कर दिया गया। और वो आज तक चल रहा है कि यहाँ तक कि जिनको कहा गया वो भी उससे दबे रहते हैं और अपने आप को गैर सांप्रदायिक या सेकुलर कहलाने के लिए सारी वही चीज करते हैं जो लेफ्टिस्ट उनसे डिमांड करते हैं, जो इस्लामिस्ट उनसे डिमांड करते हैं, जो चर्च वाले उनसे डिमांड करते हैं, जो इंपीरियलिस्ट उनसे डिमांड करते हैं, फॉरेन एनजीओ उनसे डिमांड करते हैं, वही वो पूरा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सांप्रदायिक ना कहा जाए। तो ये भाषा की ताकत है। और इसीलिए वो कहते हैं कि ये नेशनलिज्म को उन्होंने हिंदू कम्युनलिज्म में बदल दिया, फ्रीडम फाइटर्स के लिए जितनी भी बुरी बुरी बातें हो सकती थी कहा गया तो मुसलमानों को, और वो इस्लामिक इंपीरियलिज्म के लिए या दूसरे इंपीरियलिज्म के डिफेंस में भी वो खड़े हो गए, वो तो पुअर दुर्बल माइनॉरिटी है, उन पर ये ब्रूट मेजोरिटी शासन करना चाहती है। तो एक तरह से कुल मिला करके पूरी जो हिंदू चिंतन धारा थी या हिंदू प्रतिनिधि थे समाज के, यहाँ तक कि कांग्रेस में भी जो नेहरू के वामपंथी शब्दावली को पसंद नहीं करते थे या जैसे पटेल थे, तो उनके बारे में इसी तरह की बातें कही जाती थी, वो तो सामंतों के पिट्ठू हैं, जमींदारों के का हित देखने वाले हैं और ये किसानों को बरगला रहे हैं। तो जो वही एम एन राय वाली जो पुस्तक में जो फॉर्मुलेशन है और जो स्टॉक 30-35 शब्द या धारणाएं उन्होंने दी, वही सब जगह इस्तेमाल करके पूरे भारतीय राष्ट्रवाद की जो भाषा पारंपरिक अपनी भाषा है उसको लांछित करके ये पूरा वातावरण बिगाड़ दिया गया। और उसका असर आज तक हम देख सकते हैं कि वो स्वीरोलॉजी, वो गाली शास्त्र आज भी काम आ रहा है। और आप कितना भी उससे मुक्त होने की कोशिश कीजिए, अगर आप हूबहू उनके जैसा ना करें तो आपको वही गालियां सुननी पड़ेंगी। और इसकी आड़ में वो इस्लामिक इंपीरियलिज्म को सबसे बड़ा बल मिला और वो मजे से वो बढ़ती हुई अलगाववाद की अपनी भाषा, दबंगई की भाषा को लेते हुए पार्टीशन तक पहुंच गई। और वहां भी कम्युनिस्टों ने उनकी पूरी मदद की, न केवल थ्योरी दी, ये राष्ट्रों के आत्मनिर्णय का अधिकार ये थ्योरी कम्युनिस्टों ने दी। बेचारे मुस्लिम लीडरों के पास तो इस्लाम ऊंचा है और हमको शासन करना, इसके अलावा कुछ नहीं आता था, आज भी नहीं आता है उनको। सारी सारी आइडियोलॉजिकल जो वेपनरी है, फॉर्मुलेशंस है, लॉजिक है या भारी भरकम एकेडमिक लगने वाली भाषा है, वो उस समय भी कम्युनिस्टों ने ही दी थी, 40s में भी। और वो उस समय के डॉक्यूमेंट पढ़ के देख सकते हैं या कुछ विवेकशील कम्युनिस्टों के या बाद मेमोयर पे भी मिलेगा, ये सारी की सारी इस्लामिक साम्राज्यवाद की का बचाव करने और उसको फैलाने वाली भाषा का काम, गढ़ने का काम ये कम्युनिस्टों ने किया। और इसका ये भी असर हुआ कि चूंकि उन्होंने कांग्रेस में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और नेहरू के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस में भी जो राष्ट्रवादी लोग थे, भारतीय स्वर वाले लोग थे, उनको नीचा दिखाया, उनको दबाया, उनको डिफेंसिव बनाया, और इस आड़ में इस सपोर्ट के साथ इस्लामिक इंपीरियलिज्म का दबाव बढ़ता चला गया जी। ये इस चैप्टर की बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं समझता हूँ जो सातवां चैप्टर है महात्मा गांधी पे जी, उसमें काफी ऐसा लगता है कि गांधी जी के प्रति बहुत सिंपथी है सीताराम गोयल जी की।
ये सातवां चैप्टर जरा मत इस रूप में ऑब्सोलीट है। ऑब्सोलीट इस अर्थ में है कि मैं भूल रहा हूं कोई दूसरी किताब के दूसरे संस्करण में उन्होंने दूसरी भूमिका लिखी, उसमें वो गांधी जी का जो मूल्यांकन करते हैं गोयल जी, वो अपडेटेड उसमें ये चीजें रद्द हो जाती है। वो जो सिंपैथेटिक इसमें जो सातवां अध्याय है गांधी जी के प्रति, बाद में गोयल जी इससे आगे बढ़ गए और जी वो उनका उनका फाइनल मूल्यांकन गांधी जी का ये था कि वो हिंदू समाज के लिए और भारत के लिए डिसास्टर साबित हुए। उन्होंने न केवल इस्लाम को एक धर्म का दर्जा दिया जो उससे पहले हिंदू समाज नहीं मानता था, और हिंदू ज्ञानी या हिंदू पुरोहित, हिंदू समाज और कॉमन हिंदू से लेकर के ज्ञानी हिंदू तक इस्लाम को एक आक्रामक और अनावश्यक अनुचित चीज के अलावा वो कुछ नहीं मानता था। गांधी जी ने पहली बार खलीफत आंदोलन में शामिल होकर के न केवल मौलानाओं को राजनीतिक प्रतिष्ठा दी, बल्कि इस्लाम के तरफ से भी तरह तरह के भाषण 4-5 साल लगातार दिए, और फिर बाद में वो उनके साथ बैठ गए। उन्होंने कभी भी बदला नहीं अपने आप को, वो गांधी जी ने कभी रिव्यू नहीं किया। तो जो भाषा उन्होंने इस्लाम के प्रशंसा में रखी, और चूंकि वो अपने आप को सनातनी हिंदू भी कहते थे, और चूंकि वो उस तरह के हिंदू क्या कहते हैं त्यागी तपस्वी जैसा उन्होंने वेशभूषा भी बना ली, कुछ भाषा भी उनकी ऐसी थी, फिर गीता और रामचरितमानस का वो बार बार उल्लेख किया करते थे, फिर अहिंसा और सत्य को इस रूप में वो प्रस्तुत करते थे, जैसा लगता था कि ये पूरी तरह हिंदू दर्शन, हिंदू नेता, जो कम्युनिस्टों ने उनको कहा भी कि ये पूरी तरह हिंदू पुनरुत्थानवादी और जितनी बातें थी, तो उनके हिंदुओं के सबसे बड़े ज्ञान प्रतिनिधि और नेतृत्व होने के कारण इस्लाम को जो प्रतिष्ठा उन्होंने दे दी, उसी तरह चर्च, गोयल जी कहते हैं कि गांधी जी से पहले चर्च के मिशनरियों को कोई पूछता तक नहीं था, उनको एक न्यूसेंस समझा जाता था कि ठीक है ये बकबक करते हैं, हिंदू धर्म को गालियां देते हैं और दैट्स ऑल। लेकिन गांधी जी ने उनके साथ सीरियस संवाद करके, उनके साथ डायलॉग करके उन प्रतिनिधियों को वो प्रतिष्ठा दे दी जो उनको भारतीय समाज में नहीं थी, ये गोयल जी कहते हैं। और स्पेशली वो जो यहाँ तक स्पेशल कि स्पेशली वो जो यस सर्मन ऑफ द माउंट को ज्यादा हाँ ग्लोरीफाई किया है। मैं हाँ वो गोयल जी कहते हैं कि सर्मन ऑफ द माउंट का ये महत्व है, ये क्रिश्चियन भी नहीं जानते थे, मिशनरी भी नहीं जानते थे, गांधी जी ने उसको ग्लोरीफाई करके एक ऐसी महत्ता दे दी जो उस वास्तव में उसमें नहीं थी, क्योंकि सर्मन ऑफ द माउंट का भी वो अपना अर्थ करते हैं। तो इस रूप में गांधी जी का जो उनका मूल्यांकन है गोयल जी का, वो वहां से विकसित हुआ है 1984 के बाद, और इसमें उनको दूसरे लोगों ने भी खींचा कि भाई आप जो ये कह रहे हैं उनके साथ ये सब। तो बाद में वो उससे आगे बढ़े और उन्होंने गांधी जी को अनमिटिगेटेड डिसास्टर घोषित किया है, और उसका कारण मुझे लगता है कि ये तो ही काफी है कि इन्होंने इस्लाम को और ये चर्च मिशनों को वो प्रतिष्ठा दे दी जो भारतीय समाज में उससे पहले नहीं थी, और कम से कम ये चीज तो वेरीफाई की जा सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात सही है कि गांधी जी से पहले पूरे स्वदेशी आंदोलन को ले लीजिए, या कांग्रेस के ही पुराने पिछले नेतृत्व को ले लीजिए, या तिलक, गोखले और उससे पहले दादा भाई नौरोजी, दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र, कहीं आपको नहीं मिलेगा कि कोई क्रिश्चियनिटी की और चर्च की या इस्लाम की कोई एक भी पॉजिटिव चीज की चर्चा कोई कर रहा हो, वो साइलेंट रहते थे। ये शिष्टाचार था कि ठीक है कुछ लोग उसको धर्म मानते हैं तो हम उस पर नेगेटिव भी नहीं बोलेंगे, लेकिन पॉजिटिव बात किसी ने नहीं कही थी। ये गांधी जी हैं जिन्होंने दोनों साम्राज्यवाद को, बल्कि मैं तो कहूंगा कि कुछ हद तक ये कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद को भी उन्होंने मदद की इनडायरेक्टली। नंबर वन, वो भी गरीब अमीर वाली भाषा बोलते थे और अनावश्यक रूप से धनियों को बीच बीच में गाली देने लगते थे, और गरीबों के रूप में इस ढंग से बोलते थे कि कम्युनिस्ट उसका लाभ उठाते थे या कम्युनिस्टों को उससे मदद मिलती थी। नंबर टू, उन्होंने जानते हुए कि नेहरू जी पक्के लेफ्टिस्ट हैं और वो हिंदू भाव से उनकी दूरी है, और वो एक भी उनकी गांधी जी की जो
सचमुच भारतीयता वाली बातें हैं वो एक भी गांधी जी नेहरू स्वीकार नहीं करते हैं, इसके बावजूद उन्होंने नेहरू को सपोर्ट किया, बल्कि नेहरू को फोर्स किया। इस अर्थ में उन्होंने उसको वामपंथ को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। और चौथी ये भी है जो इसमें भी है कि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को कभी भी समझने में विफल रहे जब वो एंटर कर रही थी भारत में, और जब वो रिप्लेस कर रही थी वंदे मातरम को, गीता को, और इनकलाब जिंदाबाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, वर्ग संघर्ष, शोषण, सर्वहारा, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, दुनिया के मजदूरों वगैरह, ये जो, और ये रिएक्शनरी क्लास इंटरेस्ट, इन सब चीजों का अर्थ समझने में वो लोग विफल रहे। इसमें सिर्फ गांधी जी अकेले दोषी नहीं है, जो आगे गोयल जी कहते हैं कि पूरा कांग्रेस नेतृत्व या भारतीय जिसको कहते हैं सनातन धर्म की जो धारा थी वो फेल हुई कि उसने इसको अपनी भाषा में एनालाइज नहीं किया, जिसको कि दूसरे लोगों ने बाद में किया। और अब तो काफी लोगों ने उसको किया, एक्स कम्युनिस्टों ने काफी किया, लेकिन आज भी भारत में सनातन धर्म की जो भी धारा है, अगर है, और जहां लोग हैं, उन्होंने कभी इसको पूरी तरह एनालाइज नहीं किया कि ये जो कम्युनिस्ट टर्मिनोलॉजी है, क्लास स्ट्रगल से लेकर के क्लास इंटरेस्ट और शोषण विहीन समाज की स्थापना और पता नहीं क्या क्या क्या, और वंचित वर्ग, इन सब का असली मीनिंग क्या है, उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, या उसके पीछे उनकी उनकी अवधारणा क्या थी, उस अवधारणा में क्या गलती थी, ये कभी एनालाइज नहीं किया। तो इस रूप में भी गांधी पराजित रहे, या उन्होंने इसकी उपेक्षा की, और नतीजे के तौर पर कांग्रेस के माध्यम से ही वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी पूरे देश में फैली। तो इस रूप में मैं समझता हूँ कि वो जो गोयल जी का फॉर्मुलेशन है कि गांधी जी डिसास्टर साबित हुए, और फिर बाद में उन्होंने विश्वासघात भी किया हिंदुओं के साथ, जब कहा, जब उन्होंने इनके सुभाष चंद्र बोस का जो प्रभाव बढ़ रहा था उसको काटने के लिए उन्होंने जो सब तरीके अपनाए, उसमें एक ये भी था कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, मतलब पंजाब, बंगाल, सिंध के लोगों तुम मेरे पीछे रहो, तुमको चिंता क्या करनी है, मैं हूं ना। तो ये इतना बड़ा विश्वासघात है, जिसको गोयल जी कहते हैं कि ये मानव इतिहास का ग्रेटेस्ट बिट्रायल इन हिस्ट्री। ठीक, मुझे लगता है कि ये कोई अतिरंजना नहीं है, क्योंकि सचमुच ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जिसमें लाखों लाखों या करोड़ों लोगों को किसी ने कोई आश्वासन दिया हो और न केवल उससे मुकर गया बल्कि उसके विपरीत काम किया। क्योंकि न केवल गांधी जी ने विभाजन रोकने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि जो लोग विभाजन का विरोध कर रहे थे उनको जाकर के समझाया कांग्रेस वर्किंग कमिटी में 1946 जून, मुझे डेट याद नहीं आ रहा, लेकिन 1946 जून में जा, शायद, या 47 आई थिंक 47, उसमें, हाँ 47 जून 47 में कांग्रेस वर्किंग कमिटी की मीटिंग में जाकर के गांधी जी ने उनको मजबूर किया जो इसका विरोध कर रहे थे। तो यह केवल, ये एक तरह से डबल विश्वासघात था कि न केवल आपने अपना अपना वचन पूरा नहीं किया, बल्कि अपने वचन के ठीक विपरीत सक्रिय होकर के काम कर रहे थे। ये भी नहीं कि नर्वस होकर के बैठ गए कि अब क्या कहूं, मैंने तो कहा था लेकिन अब मुझसे कुछ नहीं होता, नहीं, वो नेहरू जी की हेल्प करने या जो पटेल की हेल्प करने की, जो जिन्होंने विभाजन स्वीकार कर लिया था कांग्रेस वर्किंग कमिटी में, बाकी लोगों को तैयार करने गए। तो इस रूप में मैं समझता हूँ कि ये सीताराम गोयल उस 7th चैप्टर से आगे बढ़ गए हैं, और मैं भूल रहा हूँ किसी किताब में उन्होंने इसको व्यवस्थित रूप से रखा है, जो अभी संक्षेप में कुछ पॉइंट्स मैंने रखे हैं, और वो बहुत बहुत प्रभावशाली है। बल्कि उसमें ये भी वो जोड़ते हैं, नहीं वो कहीं और है, एनीवेज। जी जी, तो अब चलते हैं 8वें अध्याय की ओर, टुवर्ड्स अ लैंग्वेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, एक अर्थ में मैं समझता हूँ कि इसमें चार बातें हैं कि एक तो ये कि राष्ट्रीय, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि इतनी ये जिस तरह से उपनिषदों की भाषा है, कुछ उस तरह से इसमें लिखा हुआ है कि एक एक पंक्ति में पूरी की पूरी थीसिस है, और एक एक पन्ने में कम से कम ऐसी 8 थीसिस है या 10 थीसिस है, और ये 4-6 पन्ने में कुल मिला करके 25-26 सूत्र मिल जाते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है, मैं तो कहूंगा कि अगर और कुछ ना हो तो ये 8वां अध्याय जरूर कोई पढ़े,
वैसे तो पूरी किताब बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूँ कि इतनी सारगर्भित है, तो उसमें चार बातें वो कहते हैं इस अध्याय में। एक तो ये कि भारतीय राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद की भाषा पर इस ये वामपंथी ये साम्राज्यवादी भाषाओं का क्या दुष्प्रभाव पड़ा और किस तरह से उसको चोट पहुंचाई गई, क्यों उसके उत्थान की जरूरत है। फिर आगे वो कहते हैं कि इस उत्थान का मतलब क्या है, और एक प्रश्न वो ये भी उठाते हैं कि ये भाषा जो हजारों वर्ष से सनातन वर्ष की अपनी भाषा थी, जिस भाषा का प्रयोग करके ही हमने इस्लामी साम्राज्यवाद को हराया, कभी भी उसको शांति से रहने नहीं दिया, वो भाषा इतनी कमजोर क्यों पड़ गई, वो उसको ग्रहण क्यों लग गया इन वामपंथी इस वामपंथी भाषा के कारण के सामने, जबकि हम देख सकते हैं कि वामपंथी कोई संख्या में बहुत बड़े नहीं थे। और ये मैं उन लोगों को भी ध्यान देने के लिए कहता हूँ जो संगठन संगठन बोलते रहते हैं और संगठन के नाम पर सिर्फ लाखों करोड़ों लोग हमारे पीछे आ जाए उसके पीछे रहते हैं, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि एक M.N. रॉय ने, एक नेहरू ने, दो चार लोगों ने, छोटी सी कम्युनिस्ट पार्टी ने, और आज भी पिछले स्वतंत्र भारत में भी इंदिरा जी का समय हो या नेहरू जी का समय हो, मुट्ठी भर वामपंथियों ने किस तरह से पूरे भारत की शब्दावली, मीडिया, एकेडमिया और विचार विमर्श, सारी पॉलिटिकल पार्टी, इन सब में उनकी भाषा और उनकी उनकी नीतियां कैसे प्रभावी होगा, ये इस पर उनको भी ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर वो प्रश्न भी आता है कि इस मानसिक हमारी राष्ट्रीय मानसिकता को या इस भाषा को ग्रहण क्यों लग गया। और फिर अंत में वो इसकी चर्चा करते हैं कि ये इसका अर्थ क्या है, इस नई भाषा को अपनी भाषा पर फिर से पहुंचने का मतलब क्या है। और ये बड़ा बड़ा गूढ़ है, अगर आप कहें तो मैं दो चार बातें पढ़ सकता हूं। जी एक तो वो कहते हैं कि इसने जो मतलब वो कहते हैं कि पिछले अध्याय में जो हमने देखा कि राइट लेफ्ट रिएक्शनरी प्रोग्रेसिव रिवाइवलिस्ट रिवोल्यूशनरी फासिस्ट डेमोक्रेटिक कम्युनल सेकुलर कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट, इसने जो एक तरह से जबरदस्ती सोवियत रशिया से लाई हुई है शब्दावली, कम्युनिस्टों ने विश्वास ये देश के घातियों ने जिस तरह से थोप दी, उसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय भाषा, भारतीय सनातन धर्म की अपनी जो पारंपरिक भाषा थी राजनीति की और समाज की और विमर्श की, वो उस पर उसके ऊपर वो भारी पड़ गई, उसको उसने कुचल के या दबा के रख दिया। उससे क्या हुआ कि ये जो हमारा राष्ट्रीय समाज है वो डिफेंसिव हो गया, उसको इतनी उन्होंने गालियां दी, वही कम्युनल फासिस्ट दबाने वाले, ये बुर्जुआ और सामंतों का हित देखने वाले, जमींदारों के पिट्ठू, इतनी कठोरता से और इतनी उग्रता से वो बातें कही जाती थी कि जो लोग उसके असहमत थे वो बेचारे दब करके रहते थे या दब गए। फिर इन्होंने उस एक गुंडागर्दी, हिंसा, इस तरह की चीजों को मदद पहुंचाई, उसको एक तौर तरीके में बदल दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि इसकी जरूरत क्या है, वो कहते हैं कि ये इसने पूरे ये जो वामपंथी भाषा भारतीय राजनीति में, मीडिया में और एकेडमिया में प्रभावी हो गई है, इसने हमारे हमारे देश के चिंतन को, चिंतन शक्ति को पैरालाइज कर दिया है, और इसको अगर पुनः अपनी भाषा से पूरा विस्थापित नहीं किया जाएगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये बड़ी गंभीर प्रस्तावना है, लेकिन इसको समझने के लिए मुझे लगता है कि किसी को पूरी पुस्तक को और पूरे पिछले 100 साल के इतिहास पर थोड़ा मनन करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेडीमेड फॉर्मुलेशन जैसी चीज नहीं है। इट हैज ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रेटर्स एंड इनटू पैट्रियट्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ पैरासाइट्स इनटू पब्लिक सर्वेंट। क्या कि ये भाषा, इस भाषा का दबाव में जो गद्दार और दुष्ट और पंची किस्म के लोग थे वो देशभक्त और राष्ट्रनायक बन गए या देश के संचालक बन गए, और जितने निकम्मे लोग थे पैरासाइट, खून चूसने वाले या अपना घर भरने वाले, सिर्फ अपनी सुख सुविधा की चिंता करने वाले, वो पब्लिक सर्वेंट हो गए। जो आज सभी लोग मानते हैं मोटे तौर पर कि हमारे जो अधिकांश राजनेता हैं या ऑफिसर हैं या पूरा शासन में भरे हुए लोग हैं वो अधिकांश इस किस्म के लोग हैं,
लेकिन गोयल जी इसको जोड़ते हैं उस मानसिकता से जो पिछले 70 सालों में, 100 सालों में धीरे धीरे हमारे देश की राजनीति पर हावी हुई, और इसने, इस भाषा ने एक स्मोक स्क्रीन दिया, ये मतलब आड़ दी, बचने का रास्ता दिया, उनको छिपने का मौका दिया। ये जो चारों किस्म के साम्राज्यवादी हैं, इस्लामी, क्रिश्चियन, चर्च, कम्युनिस्ट और कंज्यूमरिस्ट, ये जो जिसको आप अमेरिकी उपभोक्तावाद या भोगवाद जिसको कहते हैं, इसको भी वो साम्राज्यवाद की एक साम्राज्यवादी मतवाद की एक श्रेणी में वो रखते हैं। कहते हैं कि इसको आड़ मिली है। फिर वो कहते हैं कि हमारे देश में जो अपनी भाषा होनी चाहिए उसको नए सिरे से गढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारे पास हमेशा से थी। दिस कंट्री हैज नोन ए लैंग्वेज ऑफ नेशनलिज्म सिंस टाइम इमेमोरियल, और ये वही भाषा है जो हमारे महाकाव्यों में है, गाथाओं में है, पौराणिक कथाओं में है, उपनिषदों में है, धर्मशास्त्रों में है, और उसी का सहारे वो इस पर ध्यान दिलाते हैं कि उसी के सहारे, उसी पर आधारित होकर के भारत ने पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाया, उसी पर आधारित होकर के भारत ने विविध प्रकार के आक्रमणकारियों को हराया, यहाँ तक कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भी लड़ने के लिए, जब वो 1857 के बाद, कम से कम जब तक कम्युनिस्ट नहीं आए थे, तो कम से कम 60-70 साल वो भारतीय सनातन धर्म की अपनी भाषा थी, उसी आधार पर समाज आगे बढ़ रहा था, और उसने ऐसी चेतना फैलाई जिससे, जिसमें बंकिम चंद्र और दयानंद और श्री अरविंद, ये विवेकानंद, ये सब आते हैं, और इन सब का प्रभाव कोई भी देख सकता है कि वो देश के कोने कोने में लोगों को छूने में सफल हुए, और वो कहते हैं कि उस भाषा का प्रताप है, उससे जुड़े हुए लोग थे। तो इस डिक्लाइन ने, लेकिन वो डिक्लाइन में कहते हैं कि चूंकि हमारी हमारी बौद्धिकता को ग्रहण लगा, इसलिए इस भाषा को ग्रहण लगा। ये उल्टी बात नहीं है कि चूंकि भाषा कमजोर हुई इसलिए संस्कृति कमजोर हुई, चूंकि संस्कृति कमजोर हुई इसलिए भाषा भी हमारी कमजोर हुई, ये उनका फॉर्मुलेशन है, और मुझे लगता है ये सही है, क्योंकि अज्ञेय ने भी एक जगह लिखा है कि जब भाषा भाषा इसलिए नहीं गिरती है, भाषा इसलिए गिरती है कि पहले संस्कृति गिरती है। जब हम भाषा का अवमूल्यन करते हैं, शब्दों को बिगाड़ते हैं, उसको हल्का कर देते हैं, तो इसका मतलब है संस्कृति गिर रही है, यही गोयल जी भी कहते हैं। जी तो इम्प्लीकेशंस ये महत्वपूर्ण है कि अगर ये भारतीय भाषा को, सनातन धर्म की अपनी भाषा को फिर से पुनर्स्थापित करना है, जो कहते हैं कि बनाने की जरूरत नहीं है, और ये गांधी, ये इनका एक अलग से व्याख्यान भी है, उदीयमान भारतीय दृष्टि, ये हिंदी में भी है, ये कलकत्ता में एक व्याख्यान दिया था सीताराम गोयल जी ने, उसमें इसको उन्होंने निरूपित किया है, और उसमें भी वो यही कहते हैं कि इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो भारतीय समाज में अभी भी जीवित है, वो टॉर्मेंट हो गई है, उसको दबा दिया गया है, उसको कुचल दिया गया है, उसके ऊपर ये चारों साम्राज्यवादी भाषाएं हावी हैं, शिक्षा के माध्यम से वही फैलाया जा रहा है, फिर भी वो मरी नहीं है। उनका कहना है कि सिर्फ उसको उठाने की जरूरत है, लेकिन उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, उसका मतलब क्या होगा, और ये बड़ी कठिन बात है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं या रिसोर्सफुल लोग हैं या गंभीर लोग हैं, उनको इस पर माथापच्ची करनी ही होगी, चाहे यह कितनी ही कठिन बात लगे। तो वो कठिन बातें क्या है, अगर इन भाषाओं को हमारा, इन चारों साम्राज्यवादों को हराना है, उनकी भाषा, उनकी शब्दावली को हटा करके अपनी भाषा, अपनी शब्दावली, अपनी अपना विवेक, अपनी संस्कृति, अपना राष्ट्रवाद, जो भी कह लीजिए, उसको लाना है, तो क्या क्या करना होगा, ये बहुत कठिन है, ये सारे बिंदु कठिन है, लेकिन उसको जान लेना चाहिए। तो इसमें नंबर वन वो कहते हैं कि ये पूरा पूरा भारतवर्ष एक है, और इसका जो अभी जो विभाजन हुआ पड़ा है, इसको आज नहीं तो कल खत्म करने की का लक्ष्य रखना पड़ेगा। मतलब ये जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान बना है, आपको ये लक्ष्य रखना पड़ेगा कि हमको ये सबको फिर से अपने भारतीय धारा में लाना है। इतना बड़ा लक्ष्य आपको मन में कम से कम रखना होगा, कम से कम ये बात मन में रखनी होगी, क्योंकि ये पूरा भारतवर्ष एक है। अब ये ऐसी बात है कि इसको सुनते ही 10 में अधिकांश लोग कहेंगे कि अरे ये कौन सी बात है, ये तो असंभव सी बात है, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इसको जितने बड़े ज्ञानी ने लिखा है, और जितने अनुभव और जितने मनन के बाद लिखा है,
इसको इस तरह से डिसमिस नहीं करना चाहिए, जरा समझना चाहिए कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो जो अभी तक हुआ है वही आगे होगा। मतलब जो भारत आधा बचा है, और ये श्री अरविंदो ने भी कहा था 15 अगस्त 1947 को, जो उनका संदेश है श्री अरविंदो का, उसमें वो भी कहते हैं कि ये जो विभाजन हुआ है इसको अंडू करने का लक्ष्य रखना होगा, अन्यथा भारत का और विभाजन हो सकता है। तो इसलिए ये सीताराम गोयल कोई अलग से बात नहीं कह रहे हैं, ये और भी ज्ञानियों ने कहा है और कोई भी इसको देख सकता है। अभी जो हो रहा है पिछले 2 महीने से, या एक अर्थ में कहिए तो पिछले 2 दशकों से, कश्मीर में जो हुआ, बंगाल में जो हुआ, चारों तरफ हो रहा है, वो यही दिखाता है कि अगर आप इसको अरेस्ट नहीं करेंगे, इसको नहीं रोकेंगे, इसकी आंखों में आंखें डाल करके उसको पूरी तरह पराजित करने का लक्ष्य नहीं रखेंगे, तो वो आपको पराजित कर देगा। यही इसका बिंदु है। फिर वो कहते हैं सेकेंड इम्प्लीकेशन इज कि क्लोज क्रीड्स लाइक इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी विच आर नॉट इन अकॉर्ड विद द स्पिरिचुअलिटी ऑफ सनातन धर्म हैज नो प्लेस इन इंडिया। अब ये भी कठिन विषय है। वो सीधे सीधे कहते हैं कि आपको लक्ष्य रखना होगा कि ये जो साम्राज्यवादी मतवाद हैं, उनको पूरी तरह से भारत से निकालना है, या तो उनको हराना है, उनको मिला लेना है, या उनको बाहर कर देना है। ये इनका दूसरा इम्प्लीकेशन है जो वो कहते हैं। कठिन है, लेकिन यही उसका निहितार्थ है। अगर आपको अपनी भाषा स्थापित करनी है, आपको ये मान, ये आपको सामने रखना हो। तीसरा इम्प्लीकेशन है कि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, देखिए ये 84 में लिखी गई है, उस समय सोवियत यूनियन बचा हुआ था, यानी वर्ल्ड सोशलिस्ट सिस्टम या कम्युनिस्ट सिस्टम मौजूद था जब ये लिखा गया है। ये दोनों को कह रहे हैं कि दोनों एक ही चीज है, इकोनॉमिक सिस्टम्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म विच आर इन फैक्ट वेरिएशंस ऑफ द सेम थीम ऑफ सेंट्रलाइजेशन शुड नॉट बी परमिटेड टू पल्वराइज इंडियन इकोनॉमी। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहा है, खास करके देहातों को, वह सिर्फ कच्चे माल का और उसकी उसकी इच्छाओं की पूर्ति का जो उसने रूप बनाया हुआ है, इसको खत्म करने की का सोचना पड़ेगा और सचमुच स्वदेशी की भावना लानी पड़ेगी, जिसमें गाँव को या जहां पर भी जो रिसोर्सेज हैं वहां पर उनका ही अधिकार होगा, वो अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे। और ये जो ओवर सेंट्रलाइजेशन है, चाहे वो कैपिटलिज्म का हो या सोशलिज्म का हो, उसको भी खत्म करना पड़ेगा। ये तीसरा बिंदु है इम्प्लीकेशन। चौथा, ये जो टोटलिटेरियन टेंडेंसीज इनहेरेंट इन कम्युनिज्म एंड कंज्यूमरिज्म शुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम स्ट्रीम रोलिंग इंडिया सोशल पॉलिटिकल कल्चरल लाइफ इनटू अ डेट यूनिफॉर्मिटी। हर जगह जो एक ही चीज मिलती है, एक ही पहनने की चीज, यही खाने, एक ही खाने की चीज, एक ही मनोरंजन, एक ही सब कुछ, उनका कहना है कि ये कम्युनिज्म और कंज्यूमरिज्म का जो ये सम्मिलित सर्वाधिकारवाद है कि हर जगह सिर्फ वही रहेंगे और सब जगह एक ही चीज रहेगी, इसको उलटने की सोचना पड़ेगा। और नेशनल जीनियस, जो हमारे देश की विविधता, जिसको हम शब्दों में तो खूब बोलते हैं, लेकिन उस विविधता और सांस्कृतिक और आर्थिक विविधता और सामाजिक जीवन की विविधता, उसको फिर से पुनर्जीवित करने का रास्ता खोलना पड़ेगा। कि हर चीज सेंट्रलाइज होकर के ऊपर से दबाई जा रही है या इंसेंटिवाइज की जा रही है, इसको भी रोकने पर सोचना पड़ेगा। निस्संदेह यह भी कठिन विषय है। कठिन होते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर टेबल पर इसको रखा जाएगा, इस पर विचार विमर्श के लिए सोचा जाएगा, तो इसके रूप शायद निकल सकते हैं, यह असंभव भी नहीं है, कठिन जरूर है जी। फिर पांचवा है सेंट्रल, ये जो स्टेट स्ट्रक्चर है, जो समाजवाद के नाम पर ये पूरा एक भारी भरकम लोहे का हाथी देश के कोने कोने में स्टेट स्ट्रक्चर का बना हुआ है, इसको छोटा करना होगा। सेंट्रल स्टेट शुड इमर्ज इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द नेशनल हेरिटेज एंड प्रोटेक्ट द नेशनल होमलैंड विदाउट इनहिबिटिंग द मल्टीपल एक्सप्रेशन ऑफ रीजनल प्रोविंशियल लोकल ऑटोनॉमीज। ये जो वास्तविक स्वायत्तता, पारंपरिक, जो हजारों वर्ष से जो भारतीय अपनी राज्य परंपरा थी, वो कहीं कहते हैं कि एक केंद्रीय स्टेट तो था, होता था, लेकिन अंदर जितनी भी विविधताएं थी उसको पूरी ऑटोनॉमी होती थी। राजा या जो सम्राट था वह कानून नहीं बनाता था, वह हर चीज में हस्तक्षेप नहीं करता था,
वो ओवरऑल पूरे राज्य की देखरेख करता था और धर्म की चिंता करता था कि कहीं कोई गड़बड़ी हो तो उसको ठीक करने की कोशिश करता था और बाहरी आक्रमणों और दुष्टों और दस्युओं से रक्षा करने का काम करता था। और बाकी हाँ अंदर जितनी विविधता थी राज्यों में या प्रांतों में प्रदेशों में वो पूरी तरह ऑटोनोमस थे, उन पर कोई ऊपर का दबाव कानूनी या पॉलिटिकल नहीं होता था। उसको फिर हाँ से लाने पर विचार करना होगा। और फाइनली The basic notes and implications being clear, it's not too difficult to develop a language of Indian, also challenge defeat the several language of imperialism. कुल मिलाकर यही कहते हैं कि ये सभी टास्क आपको सामने रखने होंगे और अगर आप इनको आप सामने नहीं रखते तो सिर्फ कल्पना करने से कि हम इन मतवादों को हरा देंगे ये संभव नहीं होगा। ये बड़ी गंभीर चुनौती है, कम से कम बड़ी गंभीर बात है, विचारणीय जी तो है कि अगर आप इस तरह की बातें नहीं सोचते कि ये जो जो आपने शुरू में कहा जी कि ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को रिलीजन समझ करके जो छूट दी गई है उसकी उसकी आड़ में उन्होंने पूरी तरह अपने साम्राज्यवादी राजनीतिक मतवा दबाव को वो दिनों दिन उन्होंने फैलाया है। तो मुझे तो बिल्कुल साफ लगता है कि अगर आप इसको आंखों में आंखें डाल करके इसको उलटने का नहीं सोचेंगे और कम से कम ये कॉमन भाषा में कहें, जब वो खुल के कहते हैं कि हमको पूरे भारत को इस्लामी बनाना है, जब वो खुल के कहते हैं कि पूरी दुनिया को इस्लामी बनाना है या पूरी पूरे भारत को क्रिश्चियन बनाना है, तो ये खुल के उल्टा बोल क्यों नहीं बोला जा सकता कि हम आपको यहाँ से बाहर करने वाले हैं? बोल सकते हैं, ये तो वही चीज हो गई। हमको भी अपनी रक्षा करने का हक है, हमको भी अपने देश में अपनी धर्म अपनी परंपरा अपनी ज्ञान अपनी भाषा को पूरी तरह फिर से उसी तरह स्थापित करने का अधिकार है जो आपके जबरदस्ती आने से पहले था। और ये तो स्पष्ट है कि इस्लाम भी यहाँ जबरदस्ती आया और क्रिश्चियनिटी भी छल प्रपंच और जबरदस्ती से ही आई और आज भी वही चल रहा है। तो ये चुनौतियां कठिन जरूर लग सकती हैं लेकिन मुझे लगता है कि इसको टेकअप तो करना ही पड़ेगा। हाँ, और इसके अलावा अन्यथा ये बातें सिर्फ कागजी और ये लफाजी रह जाएंगी जो हम आजकल देख रहे हैं कि जी हम हमारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन कंटेंट के नाम पर कुछ नहीं देते। जी एक क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड है, ले लूं मैं शंकर जी, ले लूं हाँ क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, पंडित ऑलरेडी मिश्रा जी काफी। हैं, प्रणाम गुरुदेव। शंकर जी इस बार भी मस्तिष्क पर छा गए एक प्रश्न। 2014 के बाद से पॉलिटिकल शब्दावली को आप किस दिशा में जाता देख रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मैं संक्षेप में कहूं कि यह पूरी तरह जो कम्युनिस्ट और सेक्युलर शब्दावली है वही है, उसको अपनी पार्टी या अपने रूप में उसको सिर्फ कहा जा रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है बल्कि उन्होंने कुछ चीजों को और मजबूती दे दी है, जैसे ये माइनॉरिटिज्म, जैसे ये विभाजक मानसिकता, जैसे ये सही सेकुलरवाद लगता है, और ये विकास, ये पूरी तरह कम्युनिस्ट टर्मिनोलॉजी है कि हर चीज के केंद्र में अर्थव्यवस्था है। ये क्लासिकल मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट चीज है कि कल्चर की अपनी कोई ऑटोनॉमी नहीं है, धर्म का कोई स्थान नहीं है, साहित्य और संस्कृति की कोई जगह नहीं है, सब कुछ विकास से होगा। और जिसको कि वो उन्होंने क्लियर कट कहा है कि सारी समस्याओं का समाधान विकास है, ये 100% मार्क्सिस्ट फॉर्मुलेशन है। लेकिन वही आज की डोमिनेंट लोगों की भी भावना है, उसको वह अपने पार्टी के और अपने शब्दावली में रखते हैं लेकिन पूरी तरह वो वही है। इसलिए मैं तो यही महसूस करता हूं कि हाल के वर्षों में इसमें विकास नहीं हुआ है, ह्रास ही हुआ है। जी अजय विश्वकर्मा है, अभी तक असफल राजनीतिक इतिहास को देखते हुए भारत में भी अमेरिका की तरह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लागू कर देनी चाहिए ताकि हर एक सांसद पार्टी के खिलाफ भी वोटिंग कर सके। जी वो तो जब होगा तो होगा। इस तरह के प्रश्नों पर आपको माथा पच्ची नहीं करनी चाहिए क्योंकि तो देखिए सिस्टम, हर तरह के सिस्टम में फेलियर है, हर तरह के सिस्टम में सफलता है। अमेरिका में तो अभी वही सिस्टम है जिसमें अमेरिका खुद पिछले 4 सालों से परेशान है कि अमेरिका में भी लगभग भारत जैसी स्थिति हो गई है
कुछ मामले में शायद भारत से भी बुरी हो गई है, कुछ हाँ मामले में हमारी स्थिति ज्यादा खराब है, कुछ मामले में उनकी स्थिति भी ज्यादा खराब है। वहां पर जितने भी एंटी अमेरिकन बातें कही जा सकती हैं, अपने देश के खिलाफ बातें कही जा सकती हैं, वही डोमिनेंट है। तो वो तो अध्यक्षात्मक प्रणाली में ही हो रहा है। मुझे लगता है कि मेन चीज है जो लोग मैन कर रहे हैं पद पर, जो लोग हैं व्यक्ति, और ये आज जो चर्चा हम कर रहे थे पुस्तक की, उसमें भी कहीं पर गोयल जी कहते हैं कि इस हल्की शब्दावली ने, गाली गलौज की शब्दावली ने और ये गुंडागर्दी की शब्दावली ने, उग्रवाद की शब्दावली ने नेगेटिव किस्म के लोगों को बढ़ा दिया। तो कोई भी हाँ सिस्टम आप बनाए, अगर उस तरह के लोग ये महत्वपूर्ण जगहों पर रहेंगे तो वो उस पद को गिराएंगे ही और उसके हाँ क्रियाकलाप को गिराएंगे ही। तो मुख्य बात वो है। लेकिन मैं जो पहले मैंने कहा था वही है कि जो सामान्य लोग हैं, जो जिस स्टेशन पर हैं, जो जिस पोजीशन में हैं, वहां उनको ये देखनी चाहिए कि उनको क्या करना है। आप जो बातें कह रहे हैं ये है, ये तो देश के सत्ताधारी तय करेंगे, वो भी तब जबकि अधिकांश सत्ताधारी इसमें सहमत हो जाएंगे। तो ऐसी बातें एक कॉमन मैन को माथापच्ची करने की करना, उसमें समय बर्बाद करना ही है। हाँ हमें उसको ध्यान देना चाहिए जो हम कर सकते हैं। वंदना महापात्रा सर, बुक का नाम क्या है? अरे बुक का नाम आपको थंबनेल में लिखा हुआ मिल जाएगा, परवर्शन ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल पार्लांस। कहाँ मिलेगा? वॉइस ऑफ इंडिया की पब्लिकेशन है, नेट पे जाइए आपको मिल जाएगी। क्या प्राइस है वो आपको वहीं दिख जाएगा, 100 रुपये 100। 100 रुपये। अजय विश्वकर्मा जी, अच्छा हाँ, इसमें जब ये प्राइस की बात करते हैं, मुझे लगता है कि ये किताबें प्राइसलेस होनी चाहिए थी। 100 रुपये तो कोई सौ रुपये मूल्य ही नहीं है 100 रुपये प्राइसलेस ही है सर। आजकल तो जी। मैं किताब मंगवाता हूँ तो 95 तो डाकघर से लग जाता है। जी नहीं, प्राइसलेस इन द सेंस कि तो आप पूरे जीवन की पूंजी लगा के लेंगे तो भी सस्ती लगेगी, उस यस सेंस में लगाता बिल्कुल बिल्कुल, अनमोल पुस्तकें हैं। जी हाँ, अनमोल पुस्तकें अजय हैं। विश्वकर्मा, 8वीं कक्षा तक इतिहास हटाकर संस्कृत को अनिवार्य लागू कर देना चाहिए। जी हाँ, कर सकते, करना चाहिए, अच्छी बात है। या इतिहास ठीक पढ़ाना शुरू कर दें वो भी अच्छा रहेगा, या संस्कृत में इतिहास पढ़ाना शुरू कर दें और भी अच्छा हो जाएगा जी। और कविता सनातनी, डोंट यू थिंक सेम लाइक गांधी मोदी मोदी इज डूइंग, वो अभी आंसर दे ये देखिए दिया है स्पेकुलेटिव जी। बातें हैं ये। देखिए कोई भी नेता हो वो अपनी समझ से अच्छा समझ के ही करते हैं ज्यादातर लोग। लेकिन गांधी जी का उदाहरण, नेहरू जी का उदाहरण, कितने उदाहरण है, मैं तो कहूंगा यहाँ तक कि लेनिन स्टालिन माओ तक का उदाहरण सामने है। उससे बड़े लोग, उतना बड़ा प्रभाव, उतना चमत्कारी, उतना दबाव, उतनी हिंसा, उतनी उथल पुथल के बाद क्या मिला, क्या निकला। तो ठीक बात है। इसलिए आलोचना और समीक्षा होनी चाहिए, किसी के व्यक्तित्व से, किसी के नाम से, पद से दबना नहीं चाहिए। जी, यही थे आज के प्रश्न हमारे। शंकर शरण जी, दर्शकों की ओर से और मेरी ओर से, हमें ये समय देने के लिए और ये ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई ये ज्ञान तो मेरा बिल्कुल नहीं था, ये जी। तो गोयल जी की पुस्तक कि कुछ संक्षेप में हम लोगों ने प्रस्तुति की है। हम जी लोगों ने तो उनकी बात को दोहराया भर है। जी और मैं सबसे अपील करूंगा कि जो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं वो इसको पढ़ें, और जो जहाँ है वहाँ सार्थक रूप से जो किया जा सकता है उसको करना चाहिए। और इस पुस्तक को मैं समझता हूँ कि हमारे देश में जो अपनी भाषाओं में लोग हैं उसमें उतने ही इंटेलिजेंट लोग हैं, बल्कि शायद ज़्यादा ही हैं, तो उनको वो चीज़ें मिलती नहीं है उनकी भाषा में। तो इस तरह की महत्वपूर्ण पुस्तकों को भारत की भाषाओं में लाने के लिए भी संसाधन और समय और ऊर्जा खर्च करनी चाहिए, जिनके पास उपलब्ध है वो भी प्रयत्न करना चाहिए। यही सब शायद आगे कुछ लाभ दे सके, ऐसा मुझे लगता है। आगे फेस्टिव सीजन आने वाला है, वॉइस ऑफ इंडिया पब्लिकेशंस की पुस्तकें, शंकर शरण जी की पुस्तकें, उन्हें उपहार स्वरूप देने का एक रूटीन बनाएं, जहां हो सके लाइब्रेरीज में रिक्वेस्ट डालें, ये पुस्तकें मंगवाएं, क्योंकि ये चीजें बहुत बड़ा अंतर ला सकती हैं, बहुत बड़ा अंतर ला सकती हैं। तो इसी निवेदन के साथ चलते हैं समापन की ओर। भारत माता की जय, वंदे मातरम।